ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। आज केदार घाटी के ग्राम सभा में पूर्व सैनिक स्वर्गीय रविंद्र चौहान की स्मृति में माँ ज्वालापा देवी मंदिर के प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया गया। इस मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण उनके पिता सेवानिवृत्त सूबेदार वीरेंद्र सिंह चौहान, बड़े भाई विनोद चौहान, छोटे भाई मुकेश चौहान व उनके पुत्र तरुण प्रताप चौहान सहित परिवार भी मौजूद रहे। स्वर्गीय रविंद्र चौहान बेहद ही मिलनसार और सामाजिक सरोकार से जुड़े व्यक्ति थे। वे अपने जीवन में हमेशा सभी लोगों और क्षेत्रवासियों को मार्गदर्शन देते थे। भले वो आज इस दुनिया में नहीं है, मगर उनकी यादें, दृढ़ इच्छा शक्ति व समाज के लिए उनका योगदान अनुकरणीय है। माँ ज्वालापा देवी की कृपा हमेशा उनके परिवार पर बनी रहे। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य विनोद राणा ने कहा कि एक सैनिक के सम्मान में आज उनके परिवार के साथ कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। मुझे बेहद खुशी है कि उत्तराखंड के एक वीर सपूत के नाम से एक प्रवेश द्वार का उद्घाटन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के सैनिक सदैव ही भारत माता की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं और उत्तराखंडी सैनिकों के पराक्रम को देखकर युवा वर्ग भी सेना में जाने को तत्पर है। वहीं पूर्व विधायक शेला रानी रावत ने भी प्रवेश द्वार के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। रुद्रप्रयाग से श्रमिक मंत्र संवाददाता शंभु प्रसाद की रिपोर्ट। डीडी कॉलेज देहरादून, एडमिशन ओपन फॉर एकेडमिक सेशन 2020-2021। कोर्स अवेलेबल बीएससी इन कंप्यूटर साइंस एग्रीकल्चर, पीसीएम और सीबीजेट, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथमेटिक्स, बीबीए बीकॉम ऑनर्स, एमकॉम, बीए, एमए इंग्लिश, एमए हिस्ट्री, पीजी डिप्लोमा एंड एमए इन इंग्लिश, बीएड। डीडी कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले डीडी कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।